वाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बंधन बैंक की बात करेंगे। बंधन बैंक में वैकेंसी निकली है, बंधन बैंक में एक वैकेंसी निकली है उसकी बात करेंगे। तो बहुत ही कर्मचारियों की ज़रूरत है बंधन बैंक में। बंधन बैंक का नाम आपने सुना होगा, आपका भला सबका भला इनका एक स्लोगन है। तो यहाँ पे 10th पास हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, 12th पास हो तभी भी, अगर आप BA पास हो तभी भी आपके लिए वैकेंसी है। दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो यहाँ पे दोनों आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 29,000, 29,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्टिंग से लेके आप अंत तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी क्वालिफिकेशन और लोकेशन आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैकेंसी ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ पे आप पढ़ ही पा रहे हो बैंक रिक्रूटमेंट फॉर 10,556। यहाँ पे बैंक में रिक्रूटमेंट निकली है, बंधन बैंक में रिक्रूटमेंट निकली है 10,556। किसकी वैकेंसी? कलर की एंड अदर पोस्ट। कलर के साथ बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई भी यहाँ पर वो नहीं है। आपको अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे बंधन बैंक में वैकेंसी निकली है, आप सब देख पा रहे हो। यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख रखी है बंधन बैंक के बारे में, जो कि आप पढ़ सकते हो ताकि आपको इंटरव्यू में कुछ भी बंधन बैंक के बारे में पूछा जाए तो आप कुछ ना कुछ बता पाओ। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो बंधन बैंक में यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आ रही है 10,556। तो 10,556 में शायद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो करंट ओपनिंग क्या है बंधन बैंक में, कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली है? एडमिनिस्ट्रेशन, एग्री बिजनेस, एनालिस्टिक, BIU, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, ऑडिट, बैंकिंग ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, ब्रांच बैंकिंग, कंप्लायंस, कॉरपोरेट सैलरी, कॉरपोरेट सर्विस, डिजिटल बैंकिंग, ये सब पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और भी हम आगे देखते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट, हाउसिंग फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेस, IT, लीगल एंड विजिलेंस, मार्केटिंग, माइक्रो बैंकिंग, रिटेल एसेट, रिस्क, SME, MSME बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस। और नीचे आप दो पोस्ट और देखोगे यहाँ पे, ट्रेजरी एंड होलसेल बैंकिंग, अदर पोस्ट भी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ पे अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है? यहाँ पे बहुत डिफरेंट पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो डिफरेंट पोस्ट की यहाँ पर डिफरेंट क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, कुछ के लिए 12th पास, और कुछ के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन पास आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और यहाँ पर आपकी एज की जो लिमिट है, एज लिमिट क्या रहेगी यहाँ पर? एज लिमिट होगी आपकी 18 प्लस आप होनी चाहिए, यानी कि 18 से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और मैक्सिमम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 42 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए। और फीस अब रिक्वायर्ड्स की तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम यहाँ पर हम अपने चैनल पर फ्री ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन की फीस ना हो, नो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रिक्वायर्ड है,
यानी कि हम ऐसी एप्लीकेशंस फॉर्म लेके आते हैं जहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड नहीं होती है, जीरो फीस, फ्री में यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आपसे कोई भी हमारे चैनल के माध्यम से या फिर हमारे चैनल के नाम से कोई भी आपसे पैसे मांगता है, तो आपको कभी पैसे नहीं देना चाहिए, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो हमेशा आप फ्री ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हमारे चैनल पर आप पाओगे। तो अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए होंगे, तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। ओबियसली जब आप 10th पास की यहाँ पे जो भर रहे हो, तो 10th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट, यानी कि जितने भी क्वालिफिकेशन है उनकी मार्कशीट चाहिए। उसके आप आगे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, इनमें से कोई एक आपके पास आइडेंटिटी हो वो आपका चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो सिलेक्शन आपको दिलवा के ले जाएगा वो आपका सीवी और रेज्यूमे। तो सीवी और रेज्यूमे आपके पास इतना अच्छा होना चाहिए ताकि वहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाओ। कवर लेटर चाहिए, अगर आपके पास सीवी, रिज्यूमे और कवर लेटर का आपके पास फॉर्मेट नहीं है, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप सीवी और रिज्यूमे का यहाँ पे फॉर्मेट ले सकते हो। पासवर्ड साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। अब आप किस तरीके से, हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप बंधन बैंक में कैसे अप्लाई कर पाओगे, तो उसके लिए इजीली आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है मैंने। वो आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम ऐप ओपन करोगे, सर्च बटन पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे आप एट द रेट आर के वैकेंसी, जो कि हमारा ग्रुप का यहाँ पे नेम है, एट द रेट आर के वैकेंसी। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे हमारा ग्रुप आ जाएगा, इस ग्रुप का आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे होमगार्ड की विभाग में वैकेंसी निकली, शिक्षा विभाग में चपरासी की वैकेंसी निकली, अमेजन में वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी निकली, पशुपालन विभाग, टाटा स्टील में वैकेंसी निकली, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये पोस्टर मिल जाएगा बंधन बैंक का, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से आप अप्लाई कर पाओगे। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर ये लिंक आपको ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आपको अभी ये ओपन हो रहा है, इसको क्लोज कर देता हूँ 1 मिनट। अब ये पेज ओपन हो गया है, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे इस पेज को नीचे की तरफ आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको पहले स्टार्टिंग में 3 स्टेप है, देखो 3 स्टेप है, आप कौन सी लोकेशन और कौन सी जॉब के लिए आप यहाँ पे वैकेंसी देख रहे हो। दूसरा स्टेप है आप फॉर्म आपका ओपन होगा, वो फॉर्म फिल करना है, और लास्ट आप हाउ कैन यू गेट इन टच विद मी, हमारे साथ कैसे रह सकते हो, यानी कि आपको सीवी और रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको बता यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रेफरेंस डिपार्टमेंट, तो यहाँ डिपार्टमेंट में जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्री, बिजनेस, एनालिटिक्स, ऑडिट, बैंकिंग ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, ब्रांच बैंकिंग, कंप्लाइंस, इस तरीके से बहुत सारी आपको जो भी आपकी ब्रांच डिपार्टमेंट है जिसमें भी आप यहाँ पे प्रोफिशेंसी है आपकी, उस डिपार्टमेंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मेरा प्रोफिशेंसी है आईटी में, तो मैं आईटी को सिलेक्ट कर लूँगा। और प्रिफर्ड लोकेशन, आप किस लोकेशन में जॉब देख रहे हो, कौन सी लोकेशन में आप जॉब दे रहे हो, यहाँ पे मैं भर देता हूँ, यहाँ पे मैं जॉब देख रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कि मैं देख रहा हूँ जॉब चेन्नई में, चेन्नई की जगह चलो जयपुर में भर देता हूँ मैं, जयपुर में हम वैकेंसी देख रहे हैं, तो जयपुर हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे, आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक किया आप सेकंड स्टेप पे पहुँच जाओगे। सेकंड स्टेप में आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को आपको फुल भर देना है, ठीक है। जैसे आपको नेम भर देना है, मैं नेम भर देता हूँ, मेरा नाम है रवि, तो मैं रवि भर देता हूँ, मेल हूँ तो मेल
डेट ऑफ बर्थ आप भर दीजिए। यहाँ पे कोई भी रैंडम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आज की डेट 2006 की रैंडम सिलेक्ट कर लिया मैंने। पिन कोड आप भर दीजिए, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है, मैं यहाँ पे कुछ भी पिन कोड भर देता हूँ अभी। करंट स्टेटस स्टेट, करंट स्टेट है हमारा जयपुर आता है राजस्थान में, तो राजस्थान में भर देता हूँ यहाँ पर। और ये देखिए करंट सिटी और होम टाउन, यहाँ पे जयपुर। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप इसमें बीबीए बीएमए अदर्स पे हम चले जाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया है ईयर, तो ये जो क्वालिफिकेशन कब पास किया आपने, मान लो कि मैंने 2020 में की है, तो फ्रेशर हो या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल मांग रखिए। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर, करंट नोटिस पीरियड, लास्ट ड्रोन सैलरी, ये एक्सपीरियंस मांग रखा है। लेकिन मैं फ्रेशर हूँ तो मैं फ्रेशर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे थर्ड स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाता है। थर्ड स्टेप जैसे ओपन होता है यहाँ पे आपको सीवी और रेज्यूमे भरना पड़ेगा सबसे पहले, और आपका मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका सीवी और रेज्यूमे। सीवी और रेज्यूमे इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। जैसे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी फिर आपको इंटरव्यू होगा और फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फाइनल यहाँ पे सबमिट कर पाओगे। नीचे बटन दे रखा है आपको फाइनल सबमिट का, इस तरीके से आप सबमिट कर पाओगे। और मैं अपने चैनल पर हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वैकेंसी लेके आता हूँ जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस जीरो होती है। तो यहाँ पे आप जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर पाओगे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, अब आपको सिर्फ इंटरव्यू का वेट करना है, या फिर आपके ईमेल आईडी पे इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली है तो उसका वेट करना है। और जैसे कॉल आती है आप इंटरव्यू दीजिए और उसमें सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जॉब लगने वाली है बंधन बैंक में। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपको कौन सी जॉब लोकेशन में जॉब चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन पे चाहिए, या फिर नेम ऑफ द पोस्ट बता सकते हो कि सर हमें इस पोस्ट के लिए वैकेंसी चाहिए, तो आप पोस्ट बता दोगे तो मैं आपके लिए वही वैकेंसी आपके लिए ले आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो बाय बाय अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।